सामने दोस्तों आप जो बाइक देख रहे हो, इसने यहाँ पर एडवेंचर के मामले में भाई सारी बाइकों को किल कर दिया है। मतलब आज के टाइम में जिसको भी लद्दाख वगैरह जाना होता है, उसके मन में जो पहली बाइक आती है वो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। बाइक में आपको ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर करी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा दी जा रही है, और जो प्राइसिंग है उसको भी कंपनी ने यहाँ पर कम से कम रखने की कोशिश करी है। तो नमस्कार दोस्तों, यत्तू भाई आ गया है फिर से रॉयल एनफील्ड की शोरूम में, आपके लिए कवर कर रहा है यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, और ढेर सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को, सबसे पहले जानते हैं कि कलर कौन सा है। तो ये है इसका ग्रेनाइट ब्लैक कलर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ इसके एग्जॉस्ट टेल पाइप को छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट तरीके से ब्लैक आउट रखी गई है। और अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ तो इसका जो यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस जा रहा है वो है 2,24,000 रुपये। ऑन रोड की बात करता हूँ तो 2,80,000, 2,82,000, समवेयर अराउंड इतना आपको इसका यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही है, देखो सबसे मेन इसका जो USP है वो है इसका इंजन, जो कि आपको देखने को मिलता है 411 cc का ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको छोटा सा एक रेडिएटर देखने को मिलता है जिसमें आपका जो ऑयल है वो कूल्ड हो जाता है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं पावर स्पेसिफिकेशन की। तो ये जो इंजन है ये निकालता है 24.3 kbhp और 32 Nm का टॉर्क। माइलेज आप मान के चलो कि आप 28 से 30 का माइलेज इसमें निकाल पाओगे, और एग्जॉस्ट टेल पाइप का डिज़ाइन भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन इस इंजन में मेरे को एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें से किक का ऑप्शन हटा दिया है। हालांकि आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप बटन तो दे दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो किक का ऑप्शन है वो कंपनी ने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर जो पैडल्स हैं आपके ब्रेक के और आपके गियर्स के, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और अगर फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसमें से 3 लीटर आपको रिजर्व बनता है। अब आ जाते हैं फ्रंट की ओर। तो यहाँ पर जो फ्रंट की लाइटनिंग है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। जो डिज़ाइन है वो इसकी रॉयल एनफील्ड की और बाइक से तरह ही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल राउंड सा इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे साइड आपको LED मिल जाती है जो कि आपके DRL का काम करेगी, और इसकी जो मेन हेडलैम्प है ये आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर भी आपको इसमें हेलोजन ही दिए गए हैं। सस्पेंशन टेलीस्कोपिंग मिलेंगे, लेकिन जो फ्रंट का टायर है ये आपको देखने को मिलता है 21 इंच लंबा, और थोड़ा सा ये आपको पतला देखने को मिलेगा। लेकिन ये टायर आते हैं ट्यूब के साथ। यार इतनी महंगी गाड़ी है रॉयल एनफील्ड, अभी भी ये जो टायर्स हैं आपको ट्यूब वाले ही प्रोवाइड करा के दे रही है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या करी है, आगे भी डिस्क दे दिया और पीछे भी डिस्क दे दिया, और दोनों में आपको ABS दे रखा है, और आप ABS को यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। लेकिन जो पीछे का टायर है ये आपको 17 इंच रखा गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा गया है ताकि आपकी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल बरकरार रहे। ठीक है, साइड से लुक चेकआउट कर लो, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। जो सीट है वो दोनों के लिए, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी को परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी हिमालयन, और इसके फ्यूल टैंक में आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग मिल जाती है, एक ग्लॉस ब्लैक और एक मैट फिनिशिंग छोड़ रखी है यहाँ पे। बाकी पीछे से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो जो पीछे से भी लाइटिंग सेटअप है ये भी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे हेलोजन ही छोड़ रखा है। साइड से चेकआउट करो तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, फुट पैडल्स मिल जाते हैं, और नया टाइप का थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन में आपको यहाँ पे इसका गियर शिफ्टर मिल जाता है। अब बैठते हैं बाइक में और चीज़ों की बात करते हैं। तो देखो जो बाइक की यहाँ पर सीट हाइट है ये आपको 800 mm देखने को मिलेगी इस तरीके से, और पाँव आराम से पहुँच जाते हैं नीचे, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, 220 mm का, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और यहाँ से आप चेकआउट करो इसका हेड, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो कितने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर का, एक आपको यहाँ पर मिल जाता है टैकोमीटर का, एक आपको मिल जाता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है, और एक आपको मिल जाता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर या पोजीशन इंडिकेटर। इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप चेकआउट करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 बटन्स मिल रहे हैं, जिसमें से ये जो बटन है ये आपका ABS को ऑन ऑफ करने के लिए है। बाकी यहाँ से आप जो इसका ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज वगैरह हर एक चीज़ यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से आप सेट रिसेट वगैरह कर सकते हो। टॉप स्पीड 160 दे रखी है, लेकिन ये 120 या 130 तक आराम से चले जाती है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको इस साइड अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो आपको इस तरीके से चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर इसका जो हैंडल बार है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिलता है, तो उसके वजह से बैठ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और आपका जो RVM है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अब मज़े की चीज़ क्या है कि कंपनी ने कुछ एसेसरी आपको यहाँ पर स्टॉक भी प्रोवाइड कराई है। लाइक यहाँ पर आप चेकआउट करो, जो पूरा गार्ड सा मिल रहा है आपको स्टॉक मिलेगा। फिर पीछे साइड भी आपको यहाँ पर लोड कैरी करने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप 7 kg का मैक्स लोड कैरी कर सकते हो। और अगर आपको साइड से भी लगेज वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कंपनी ने होल वगैरह पहले से दे रखे हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 3 लाख रुपए के अंदर अंदर 2,80,000 रुपए में ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी ऑफरिंग लेकर आ रही है। और 2,80,000 में आपको यहाँ पर 411 सीसी का इंजन मिल जा रहा है, रॉयल एनफील्ड का भरोसा मिल जा रहा है क्योंकि 3 साल 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको रॉयल एनफील्ड के इंजन का फील आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन ये बन सकता है। आपका क्या सोचना है इस गाड़ी के बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे एक और नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।